आज जो हम जानकारी देने के लिए जा रहे हैं वो है खास करके लड़की के लिए और लेडीज के लिए। जब लड़की को डेट आती है तो इसमें ना तो खट्टा मीठा कुछ खाना चाहिए, क्योंकि नुकसान करता है आपके शरीर को। तो दूसरी बात ये है कि जब आपको डेट आई हो तो आपको संभोग नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी आपके हस्बैंड है, मतलब नहीं रहा जाता उनसे, फिर भी वो करते हैं, तो आज मैं आपको बताती हूँ कैसे करना चाहिए। हम अपना काम सब कुछ छोड़ के आपको इतनी जानकारी देते हैं, इतना कुछ बताते हैं आपको, बदले में आप क्या करते हैं हमारे लिए? वीडियो को देखा, सुना और छोड़ दिया। ना कोई लाइक करते हो, ना कोई कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, या हमें भी पता चले हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, हमारी वीडियो अच्छी है इसीलिए। तो जो मैं जानकारी आपको बताने के लिए जा रही हूँ आज, वो ध्यान से सुनना मेरी बहनों। तो वो जानकारी ये है कि मतलब अगर फिर भी नहीं रहा जाता आपके हस्बैंड से, फिर भी वो नहीं मानते हैं, संभोग करने बिना नहीं रहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम में? आपको मतलब जैसे कि ये मतलब लड़के के लिए है, जैसे कि लड़का संभोग करता है लड़की के साथ, तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत ही प्यार से करना चाहिए कि बिल्कुल भी पेन, तो वैसे भी जिसको कई बार डेट आती है लड़कियों को, कईयों को बहुत पेन होता है, तो पेन तो वैसे भी बहुत होता है, तो मतलब संभोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मतलब इस सिचुएशन में भी आप संभोग कर रहे हो तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से करो और सीधा मत करो, क्योंकि जो लड़की का ब्लड है वो लड़के के लिंक में जा सकता है। तो इसीलिए वो जो लड़की का ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वो क्या कहते हैं, गंदा खून उसे। तो लड़के को क्या करना चाहिए, कोंडम इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब भी करो आराम से, प्यार से, कि तकलीफ़ ना हो पाए, क्योंकि इस जब हम क्या करते हैं कि डेट आई में संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो लड़की को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सूजन वगैरह हो जाती है पेट में, और लड़की बाद में मतलब पेन होता रहता है। तो जो भी कोई हमारी वीडियो सुने देखे तो प्लीज़ गौर करना, ध्यान करना। बाय बाय।